प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। पिछली कालांश में हमने आपको काल के विषय में पढ़ाया था, उसके अंतर्गत भूतकाल का पूरा अध्ययन किया था। आज हम आपको वर्तमान काल के विषय में बताएंगे। वर्तमान काल अर्थात जो अभी समय चल रहा है, इसको वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल की परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया या वाक्य के द्वारा हमको जब पता चलता है कि कोई कार्य जो है अभी हो रहा है, इसी समय हो रहा है, तो उसे हम उस काल को वर्तमान काल कहते हैं। इस काल में कार्य का निरंतर होना पाया जाता है। जैसे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, अभी खेल रहा है, वर्तमान में खेल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल का वाक्य है। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, अभी कार्य हो रहा है, इसलिए तो जो कार्य वर्तमान में हो रहा होता है वो वर्तमान काल का होता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है, वह वर्तमान काल का वाक्य होता है। और वर्तमान काल के भेद, इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, और 5वां होता है संभाव्य वर्तमान काल। अब हर एक काल के विषय में हम अलग से पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले लेंगे सामान्य वर्तमान काल, किसे कहते हैं उसको देखेंगे आप। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। अब इसकी परिभाषा है सामान्य वर्तमान काल की, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात क्रिया के द्वारा हमको या क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया जो है वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन इसके निश्चित समय, इस समय हो रही है या नहीं हो रही है, इसका बोध नहीं होता है। इस काल में सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के रूप से ये तो पता चलता है हमको कि क्रिया जो है इसी समय हो रही है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, परंतु इस समय हो रही है या नहीं हो रही है, इसका निश्चित समय का बोध नहीं होता है, इसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, हवाएं चला करती हैं। उदाहरण में हवाएं चला करती हैं, पक्षी उड़ते हैं, तारे आकाश में चमकते हैं, तारे आकाश में चमकते हैं, यात्री सायंकाल विश्राम करते हैं, तो उपरोक्त ये चारों उदाहरणों में हमें यह तो पता चल रहा है कि कार्य जो है, क्रिया जो है वो वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन इससे ये बोध नहीं होता है हमको कि अभी हो रही है या नहीं हो रही है, इसलिए ये चारों वाक्य जो हैं सामान्य वर्तमान काल के हैं। क्यों? सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा जो है वो यही है कि जिस क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध होता है कि कार्य तो वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन यह निश्चित नहीं पता चलता कि अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल में प्राय हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के इस रूप से यह बोध हो जाता है कि क्रिया जो है
इस वर्तमान काल में जारी है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। काम हो रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, और निरंतर क्रिया जो है निरंतर चलने के कारण इसी काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमको पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ पर उसके निरंतर चलने के कारण इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ, तुम किताब पढ़ रहे हो, तो इन तीनों वाक्यों के द्वारा हमको यह पता चल जाता है कि कार्य जो है जारी है, पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो मतलब सामान्य वर्तमान काल के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाए जाते थे, अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में रहा है, रही है, रहे पाए जाते हैं, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। उसके बाद नंबर तीन पर आ जाता है पूर्ण वर्तमान काल। नंबर तीन पर है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कुछ हिंदी के विद्वान जो है इसको मानते हैं, हिंदी व्याकरण में कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं। अर्थात कुछ व्याकरण के जानकार जो हैं वो अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण करते हैं। अंग्रेजी में जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं इसको। कुछ व्याकरण जो के जानकार हैं अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण करते हैं, तो हिंदी में भी पूर्ण वर्तमान काल मानते हैं। अंग्रेजी में इस काल को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण इसके देखेंगे, वह चला गया है, वह चला गया है। दूसरा, मैं तो प्रातःकाल ही नहा लिया था, उसने भोजन कर लिया है, घड़ा पानी से भर गया है, तो इसमें उपर्युक्त वाक्यों को उदाहरणों को पढ़ने से हमको पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है और ये काम जो है सारा पूरा हो चुका है, लेकिन कोई भी काम अभी जारी नहीं है। और इन वाक्यों की मैं जो लास्ट में देखते हैं सहायक क्रियाएं हैं, हैं, हैं आदि आई हैं, था नहीं आएगा, यहाँ पे नहा लिया हूँ आएगा सहायक क्रिया। तो यहाँ पे जो सहायक क्रिया हैं, हूँ, हैं आदि आई हैं, जो वर्तमान काल का हमको बोध कराती हैं, तो वर्तमान काल की है, लेकिन फिर भी ये क्रियाएं जो हैं हमें आसन्न भूत का बोध कराती हैं। इस कारण से कुछ विद्वान जो कहते हैं कि जो पूर्ण वर्तमान काल हिंदी में नहीं होता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि जैसे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी प्रकार से पूर्ण वर्तमान काल जो है हिंदी में भी होता है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि इससे हमको संदेह होता है कि आसन्न भूत की क्रियाएँ हैं, इस कारण से इसको इस हिंदी में नहीं मानते हैं। तो इसके बाद चौथा जो आता है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल
संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, जिन वाक्यों से क्रिया के होने में संदेह व्यक्त होता है, अर्थात संदेह होता है, संदिग्ध जिस वाक्य से हमको पता चलता है कि क्रिया पूरी होगी या नहीं होगी, क्रिया के होने में संदेह व्यक्त होता है, उसे संदेह वर्तमान के संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे इसके भी, जैसे वह सो रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा, विद्यार्थी खेल रहे होंगे, चौकीदार जाग रहा होगा, तो इन क्रियाओं के विषय में क्या है, संदेह होता है, वह शायद सो रहा होगा या नहीं सो रहा होगा, तो यहाँ पे पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, विद्यार्थी खेल रहे होंगे, या निश्चितता से नहीं कह सकते, यहाँ संदेह बना रहता है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल इसको कहते हैं। इसके बाद आ जाता है संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान काल, पांचवा जो है संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है, क्रिया के जिस रूप से हमें संभावना व्यक्त होती है कि वर्तमान में यह कार्य हो जाएगा, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे उसका, वह स्वस्थ होता लगता है, कोई बीमार हो गया था, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, स्वस्थ होता लगता है, ये संभावना है थोड़ा ठीक हो जाएगा, वह स्वस्थ होता लगता है, अब तो देश को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। राम आता तो काम हो जाना चाहिए, जाना चाहिए, तो इन सभी वाक्यों में क्या है, संभावना व्यक्त की गई है, वह स्वस्थ होता लग रहा है, देश को आगे बढ़ना चाहिए, राम आ जाएगा तो कार्य पूरा हो जाना चाहिए, तो जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान काल के पांच भेद बताए, एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा था आपका संदिग्ध वर्तमान काल, और पाँचवा था संभाव्य वर्तमान काल। इसके बाद आगे जो है भविष्य काल के बारे में आपको बताएंगे, भविष्य काल क्या होता है, तीसरा काल है भविष्यत काल, किसे कहते हैं, भविष्यत काल मतलब आप शब्द से मतलब इसका अर्थ है मतलब आने वाला समय, जो काम आगे आने वाले समय में होगा उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि
कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्य काल कहते हैं, उसे भविष्य काल। जैसे राम किताब पढ़ेगा तुम शोर नहीं करोगे, ये वाक्यों से हमको पता चलता है कि ये जो काम है किताब भविष्य में पड़ेगा, आने वाले समय में पड़ेगा, आप शोर आने वाले समय में नहीं करोगे। तो जी क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है हमको कि कार्य जो है आने वाले समय में संपन्न होगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के भेद जो है चार प्रकार का भविष्य काल होता है। भविष्य काल के भेद चार प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य काल, नंबर दो संभाव्य भविष्य काल, नंबर तीन अपूर्ण भविष्य काल, नंबर चार पूर्ण भविष्य काल। तो आपको इसकी परिभाषा पता चल गई कि जो क्रिया के जैसे उससे हमको पता चलता है कि वह जो कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्य काल कहते हैं, और इसके चार भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, तीसरा पूर्ण भविष्य काल और चौथा पूर्ण भविष्य काल। तो इसको नंबर से पढ़ेंगे। नंबर एक सबसे पहले सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं इसको देखेंगे। जिस काल में काम के आगे आने वाले समय का होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। वाक्य से जाओ हमें पता है, जिस वाक्य से पता चलता है कि काम जो है आने वाले समय में पूरा होगा उसको हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आएगा, उदाहरण देख लीजिए, वह आएगा मैं पढ़ूंगा, तुम लिखोगे, इन तीनों वाक्यों से हमें पता चलता है कि जो काम है आने वाले समय में संपन्न होने जा रहा है, इसलिए इसको सामान्य भविष्य काल कहते हैं। दूसरे है संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं वो देख लेंगे। संभाव्य भविष्य काल इसकी परिभाषा देख लेंगे। जिस काल में काम के आगे होने की संभावना व्यक्त होती है, अर्थात काम आने वाले समय में हो सकता है,
जिसकी संभावना व्यक्त होती है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जिससे हमें पता चले कि आने वाले समय में ये कार्य हो सकता है वो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लगता है वे आएंगे, लगता है वे आएंगे, संभव है पीयूष वहां मिले, देख लेंगे, हो सकता है भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। तो इन तीनों वाक्यों में संभावना व्यक्त की गई है, इस कारण से ये संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। लगता है वही आएंगे, संभव है पीयूष वहां मिले, हो सकता है भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए, इसमें आने वाले समय में संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए इसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। आगे आता है नंबर 3, अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल, इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होता रहेगा। इस काल में अर्थात जिस वाक्य से हमको पता चलता है कि कार्य जो है भविष्य में भी होता रहेगा उसे अपूर्ण भविष्य काल का वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यालय सालों चलता रहेगा, विद्यालय सालों चलता रहेगा, भविष्य में भी चलता रहेगा, विद्यालय सालों चलता रहेगा। वे भय के मारे रात भर जागता रहेगा, जागता रहेगा। संसद में बहस चलती रहेगी, इन तीनों उदाहरणों से हमें पता चलता है कि ये कार्य जो है भविष्य में भी चलता रहेगा, पूर्ण होता रहेगा, इसलिए इसको अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। इसके बाद चौथा आता है और अंतिम पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं देख लेंगे आप। पूर्ण भविष्य काल चौथा प्रकार है। पूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं? पूर्ण भविष्य काल में इस काल की क्रिया से हमें बोध होता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो जाएगा। कोई भी कार्य है जो शुरू हुआ है वो भविष्य में समाप्त हो जाएगा, जिस क्रिया के से हमें ये बोध होता है उसे कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। जैसे कार्यालय, उदाहरण देखिए, कार्यालय बंद हो चुका होगा, बंद हो चुका होगा, पक्षी घोंसलों में जा चुके होंगे, राम का मकान बन चुका होगा, तो
इससे हमें पता चलता है कि ये जो कार्य है वो भविष्य में समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। तो इस प्रकार से काल का जो है प्रश्न आपका एक नंबर का आता है, उसमें से वाक्य आता है, उसमें पहचानना होता है कि वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है या भूतकाल का है। तो मैंने तीनों कालों का अध्ययन आपके लिए करा दिया गया है। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपके लिए भेज दूँगा। धन्यवाद।